विकास अकेडमी गुनाम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 22 मई 2020 के करंट के क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में हम आपके लिए 21 मई के लेके आए थे, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यानी 22 मई को। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। विषय है इसकी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है, इन छत्तीसगढ़ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की रेपो रेट क्या है। 4% है। क्या है आरबीआई की रेपो रेट, आरबीआई की नई रेपो दर क्या है, 4%। इससे पहले की क्या थी, रिवर्स रेपो रेट 3.35% या प्रतिशत है। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण यानी कि सूर्य के लाइट से जलने वाला सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को सौरकरण करने की यानी कि सूर्य की लाइट से जलने वाला की है। एक तरह से उसमें सूर्य की लाइट से चलने के लिए लाइट लगाने की बात कही गई है, जिससे उसका सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी बहन सेवा शुरू की गई, इसमें की गई झाबुआ जिले में की गई। इसके तहत एक ग्रामीण की महिलाओं के लिए निशुल्क वाहन दिया जाता है, लग कोई सी उनकी सहायता करने के लिए एक वाहन सेवा शुरू की गई है। ठीक है, हमारी 22 मई के करंट के क्वेश्चन हो चुके हैं, हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। इसकी विषय है हवा सॉल्यूशन आर इन नेचर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की, यानी छत्तीसगढ़ ने की है इन किसानों के न्याय के लिए की योजना। नेक्स्ट है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई रेपो दर कितनी है, 4%। इससे पहले थी रिवर्स रेपो रेट 3.35% थी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है, यानी झाबुआ में की है। ठीक है, हमारे 22 मई 2020 के क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर है, पिछले प्रश्न का आंसर है कब, 1982। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में की गई थी। नेक्स्ट यानी आज के वीडियो का हम आपको क्वेश्चन देते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है। कौन सी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक, यानी ये हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, यानी ये पुरानी चीज़ों की यानी जो नई चीज़ें मिलती हैं उनकी खोज होती है, उनका निरीक्षण करता है, यानी उनका सर्वेक्षण करता है, कितनी साल पुरानी होती हैं उन सभी की ये सर्वेक्षण करता है। तो उसका कौन है महानिदेशक, पहला ए वसुधा मिश्र, बी विद्यावती, सी के मोहम्मद, डी सविता कुमारी है। ठीक है, तो ये हमारे 22 मई 2020 के क्वेश्चन हो चुके हैं करंट के। इसमें हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, कृपया इस कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना। ठीक है, अब हम चलते हैं इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चनों के। देखिए, शुरुआत करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कौन सा इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब 22 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम है अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेट लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम, यानी किसने किया ये राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम, यानी योजना छत्तीसगढ़ ने की है।
आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, न्यू रेपो रेट क्या है 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। अब नेक्स्ट चलते हैं आ स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंप्लीट सोलराइजेशन फॉर विच टेम्पल, किसको किया है कोणार्क सन टेम्पल, सोलराइजेशन यानी सौरकरण यानी सूर्य की लाइट से चलने वाला, कौन सा कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा की किया गया है। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी हैज लॉन्च्ड दीदी व्हीकल यानी वाहन सर्विस यानी सेवा, इसने की है झाबुआ जिले ने शुरुआत की है। ठीक है, ये हमारे 1 मई के इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन हो चुके हैं। हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई, इसकी थीम है अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, नेशनल बीच स्टेट लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम छत्तीसगढ़, नेक्स्ट आरबीआई न्यू रेपो रेट 4% और इसी की रिवर्स रेपो रेट 3.35% थी। नेक्स्ट आ स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंप्लीट सोलराइजेशन ऑफ बीच टेंपल कोणार्क सन टेंपल उड़ीसा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी हैज लॉन्च्ड दीदी व्हीकल सर्विस यानी झाबुआ जिले ने स्टार्ट की है। ठीक है, ये हमारे 22 मई के करंट के इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन हो चुके हैं। हमने इसके पहले आपको एक क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर बताते हैं। आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन 1982। हम आपको आज के वीडियो का क्वेश्चन देते हैं। आज के वीडियो का क्वेश्चन है हमारा, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया यानी ASI, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका पहला ए है वसुधा मिश्रा, बी वी विद्यावती, सी के मोहम्मद, डी स्वाति कुमारी। ठीक है, ये हमारे आज 20 मई 2020 के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में टाइप करना।